हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंगबाज बिल्ला में। आज हम जानेंगे कुछ पादों के प्रकार के बारे में, साथ में ये भी जानेंगे कि हर ढेपू कितनी आणविक क्षमता के साथ अपने सभी के लांचर से प्रस्थापित होता है। दोस्तों, पहला आता है भोपू पाद, जिसको मर्दाना पाद भी कहा जाता है और इसकी आवाज़ हमेशा मर्दानगी से भरी रहती है। नमूने के तौर पर आप ये सुन सकते हैं। दोस्तों, इस पाद को छोड़ने के लिए पुरुष हमेशा बाध्यकारी होते हैं और महिलाएं इसको छोड़ने में हमेशा संकोच करती हैं। कभी कभी जब लड़के आपसी ग्रुप में होते हैं तो माहौल को खुशहाल बनाने के लिए तेज़ आवाज़ बनाने के कारण अत्यधिक बल का प्रयोग कर देते हैं, जिस कारण से वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इससे उनकी कच्ची को एक्स्ट्रा मटेरियल, जो खासकर पीले रंग का होता है, उसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर जीवन में आपके साथ भी कभी ऐसी दुर्घटना हुई है तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, अब आगे आता है फुसकी बम। इसमें गंधक और यूरेनियम की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि एक मिर्गी के मरीज को भी एक सेकंड में भला मानुस बनाया जा सकता है व दवाओं का खर्चा बचाया जा सकता है। अब आगे आता है पुरपुरी पाद, जिसकी आवृत्ति मध्यम मानी जाती है। इस पाद में आप अपने बनाए गए सॉन्ग को मिक्स करके एक नया क्लासिकल म्यूजिक बना सकते हैं। दोस्तों, अब आता है पूँव पाद। इसको चरम सीमा तक पहुंचने में कई सेकंड का समय लगता है। एक सर्वे द्वारा ये पाया गया है कि इसको छोड़ने वाले लोगों में जिनकी भी हंसी निकल जाती है, उनमें यह नियम पूरा का पूरा उलट जाता है, क्योंकि समय सीमा में कमी हो जाती है और पूँव की आवाज़ में बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए दो लाइन कहना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं ढेपू की आवाज हूँ, तुम पुरपुरी वाला पाद प्रिय, मैं सेंट मार के आता हूँ, तुम लगाती उसमें आग प्रिय। क्या बना दिया है ईश्वर ने, उसका खेल निराला है, एक निवाला डाला है और पाद भी आने वाला है। मैं आई हूँ तुमसे मिलने, मुझे प्रेम कर लेने दो, हमें प्रेम को रखो एक किनारे, पहले हमको हग लेने दो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और ढेपू बजाते रहिए।